झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा दे दिया है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपाई सोरेन को सीएम बनाए जाने पर सीता सोरेन ने पार्टी से पहले ही दूरी बना ली थी। जानकारी के अनुसार सियासी अनबन के चलते अब सीता सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है। सीता सोरेन ने पार्टी के पद और विधायक पद से इस्तीफा दिया है। इसके साथ ही उन्होंने आज बीजेपी का दामन भी थाम लिया है, लेकिन बीजेपी ज्वाइन करने से पहले उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष शिबू सोरेन को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। उन्होंने अपने त्यागपत्र में उपेक्षा का आरोप भी लगाया है। इसके साथ ही आपको बताते चलें कि अपने इस्तीफे में सीता सोरेन ने कई आरोप लगाते हुए लिखा है कि मेरे पति दुर्गा सोरेन झारखंड आंदोलन के अग्रणी योद्धा रह चुके हैं, लेकिन उनके निधन के बाद से ही मेरे परिवार को उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। उन्होंने पार्टी और परिवार के सदस्यों पर आरोप लगाते हुए कहा कि सबने उन्हें अलग थलग कर दिया है। उन्होंने अपने ससुर और पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन के लिए लिखा कि बाबा ने सभी को एकजुट रखने का काफी प्रयास किया, लेकिन बावजूद इसके सब विफल रहा। इसके आगे उन्होंने लिखा कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके और उनके परिवार के खिलाफ कोई साजिश हो रही है, इसलिए उन्होंने पार्टी और इस परिवार का साथ छोड़ने का फैसला किया है। आपको बताते चलें कि साल 2009 में शिबू सोरेन के बड़े बेटे व जेएमएम के तत्कालीन महासचिव दुर्गा सोरेन की बोकारो में संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई थी। वे उस समय महज 39 साल के थे। मौत की वजह किडनी फेल होना बताया गया था। बड़े भाई के निधन के बाद ही हेमंत सोरेन का पार्टी में कद बढ़ा था। ऐसे में अब उनकी ही भाभी ने पार्टी के लोगों पर आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।